माय चैनल ई अपकी इंग्लिश फॉर बिगिनिंग फ्रेंड्स, आज से हम लोग देखने जा रहे हैं क्या इंग्लिश का एक नया लेसन, जहां पर हमें ये समझना है कि इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज क्या होती हैं। बट फ्रेंड्स, इस लेसन को पढ़ने के लिए पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर डिग्री क्या होती है। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में एक लेसन है क्या डिग्री, और डिग्री जो होती है ना वो हमारी तीन प्रकार की होती है। एक तो हमारी क्या होगी पॉजिटिव डिग्री, दूसरी हमारी क्या होगी कॉम्परेटिव डिग्री, और तीसरी हमारी क्या होगी सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या होगा कि हमने किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो भी हमारी राय थी, अच्छी या बुरी, वो हमने बता दी। बट कॉम्परेटिव डिग्री में क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति या वस्तु की दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना करते हैं, यानी कंपेयर करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु को उसके पूरे समूह में, उसके पूरे ग्रुप में या तो सबसे अच्छा बताया जाता है या फिर उसे सबसे बुरा बताया जाता है। अब पॉजिटिव डिग्री का एक एग्जांपल सुनिएगा। अगर मैंने आपसे कहा कि वह ईमानदार है, तो हमारी कौन सी डिग्री का सेंटेंस कहलाएगा, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वह आपसे ज्यादा ईमानदार है, तो क्या आपने माइंड किया यहां पर मैंने उसकी आपसे तुलना की है और मैंने उसे आपसे ज्यादा ईमानदार कहा है। और जब भी किसी व्यक्ति या वस्तु की दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाएगी तो वह हमारी कौन सी डिग्री कहलाएगी, कॉम्परेटिव डिग्री कहलाएगी। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा, हम किसी व्यक्ति या वस्तु को उसके पूरे समूह में सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताएंगे। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि वह इस कक्षा का सबसे ज्यादा होशियार लड़का है, तो क्या आपने माइंड किया मैंने पूरी कक्षा में उस लड़के को सबसे ज्यादा होशियार कहा है। मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि वह इस कक्षा का सबसे कम बुद्धिमान लड़का है, तो चाहे मैं सबसे कम बोलूं या फिर सबसे ज्यादा बोलूं, तो अगर मैंने उस व्यक्ति को, उस लड़के को या फिर किसी वस्तु को उसके पूरे समूह में सबसे अच्छा या फिर सबसे कम, सबसे अच्छा हो, सबसे बुरा हो, सबसे ज्यादा हो, सबसे कम हो, दोनों ही कंडीशन में सेंटेंस हमारा कहां का होगा, सुपरलेटिव डिग्री का होगा। तो आप माइंड कीजिएगा कि जैसे बात कॉम्परेटिव डिग्री की होगी, तो हम यहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना कर रहे होंगे। लेकिन अगर बात मैंने सुपरलेटिव डिग्री की है, तो सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में क्या होगा कि हम किसी व्यक्ति और वस्तु को उसके पूरे समूह में या तो सबसे अच्छा बताएंगे या फिर सबसे बुरा बताएंगे। अब अच्छा हो चाहे बुरा हो, अगर सबसे लेके आ गया तो ये सेंटेंस हमारा कहाँ का होगा, सुपरलेटिव डिग्री का होगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ये समझना है कि कॉम्परेटिव डिग्री में हम जिस व्यक्ति और वस्तु से तुलना करते हैं, उस व्यक्ति और वस्तु के पहले या तो हम दैन का यूज करते हैं या फिर किस का यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। तो ज्यादातर केसेस में हम दैन का यूज करेंगे, लेकिन कुछ शब्द जैसे जूनियर, सीनियर और डैश डैश में क्या यूज करना होता है, टू का यूज करना होता है। अब फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो मैंने आपके सामने एक टेबल बनाई है। ये लिखा मैंने क्या, ब्रेव, ब्रेव का मतलब क्या हो गया, बहादुर, क्लेवर मीन्स चतुर, वाइज मीन्स बुद्धिमान, और लेजी का मतलब क्या हो गया, सुस्त। और ये सारे हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। और ये लिखा है मैंने क्या, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, और ये क्या हो गई, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, ये हमारे क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स कहलाएंगे, और ये सारे वर्ड्स हमारे क्या कहलाएंगे, कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स कहलाएंगे, और ये सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। माइंड आपको ये करना है कि पॉजिटिव डिग्री के साथ आर, ई आर या फिर आई ई आर को जोड़कर हम लोग क्या बनाते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री बनाते हैं। तो सामान्यतः ई आर जोड़कर कॉम्परेटिव डिग्री बनाई जाती है, लेकिन अगर लास्ट का लेटर पहले से ही ई हो तो हमें वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़ना होगा, आर जोड़ना होगा। और अगर ऐसा ना हो तो हमें क्या जोड़ना होगा, ई आर जोड़ना होगा। और अगर लास्ट का लेटर हमारा क्या हो जाए, वाई हो जाए, और वाई के पहले कोई कंसोनेंट आ रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में हम वाई को हटाकर आई ई आर जोड़कर कॉम्परेटिव डिग्री बनाते हैं। और इसी पॉजिटिव डिग्री के साथ ST, EST या फिर IEST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। तो आपको माइंड ये करना है कि अगर लास्ट का लेटर पहले से ही E हो तो हमें वहां पर सिर्फ क्या जोड़ देना होगा, ST, और ऐसा ना हो तो हमें क्या करना होगा, EST जोड़ना होगा। लेकिन अगर लास्ट का लेटर Y हो जाएगा तो Y को फिर से I में बदल देना है, और उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या जोड़ना होगा, EST जोड़ना होगा।
और एक बात को आपको माइंड और करना होगा कि अगर बात सुपरलेटिव डिग्री की एडजेक्टिव्स की जा रही है, ये कभी भी अकेले नहीं लिखे जाते, इनके ठीक पहले हमें 10 शब्द का यूज करना होगा। यानी जब इसको सेंटेंस में बोला जाएगा तो हम सिर्फ ब्रेवेस्ट नहीं बोल सकते, हमें क्या बोलना पड़ेगा, द ब्रेवेस्ट, द क्लेवरेस्ट, द वाइजेस्ट, द लेजिएस्ट, और इसके बाद जो नाउन आएगा तो जोड़ना ही होगा, जैसे द ब्रेवेस्ट बॉय, द क्लेवरेस्ट बॉय, द वाइजेस्ट गर्ल, द लेजिएस्ट मैन। तो आपको माइंड करना होगा कि सुपरलेटिव डिग्री के ठीक पहले हमें द का यूज करना ही होगा। अब फ्रेंड्स एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा है, मैंने क्या लिखा है कि वह बहादुर है। क्या बता सकते हो ये कौन सी डिग्री का सेंटेंस होगा हमारा? मैंने इसमें किसी व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना तो नहीं की और ना ही मैंने उसको सबसे ज्यादा बहादुर बोला है। तो सेंटेंस हमारा कहाँ का हो गया, पॉजिटिव डिग्री का हो गया। और सेंटेंस हमारे पास क्या है कि वह बहादुर है। इस सेंटेंस को अगर मैं बनाऊंगा इंग्लिश में तो मैं क्या बोलूंगा, ही इज ब्रेव। यानी हमें यह समझना होगा कि अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव डिग्री का है तो हमें एडजेक्टिव भी पॉजिटिव डिग्री का ही यूज करना होगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, ही इज ब्रेव। लेकिन अगर फ्रेंड्स मैं आपसे कहता कि वह आपसे ज्यादा बहादुर है तो आपने माइंड किया कि मैंने उसकी आपसे तुलना कर दी, और ऐसी कंडीशन में ये सेंटेंस हमारा कहां का हो गया, कॉम्परेटिव डिग्री का हो गया। अब अगर सेंटेंस कॉम्परेटिव डिग्री का है तो हमें जो एडजेक्टिव है ना वो भी कॉम्परेटिव डिग्री का ही रखना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम ब्रेव का यूज नहीं कर सकते, हमें किसका यूज करना होगा, ब्रेवियर का यूज करना होगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज ब्रेवियर देन यू। अब देन का यूज हमने क्यों किया, क्योंकि कॉम्परेटिव डिग्री में तुलना करने के लिए हमें देन या फिर टू का यूज करना होता है, और टू का यूज कहाँ करना होता है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, बाकी सभी जगह आपको देन का ही यूज करना होगा। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट बना है कि ही इज ब्रेवियर देन यू। अब फ्रेंड्स एक एग्जांपल और देखिएगा, अगर मैंने आपसे कहा कि वह इस कक्षा में सबसे ज्यादा बहादुर लड़का है, तो मैंने पूरे कक्षा में जितने भी लड़के थे उन लड़कों में से उसे सबसे ज्यादा बहादुर कहा है, और ऐसी कंडीशन में सेंटेंस हमारा कहां का हो गया, सुपरलेटिव डिग्री का हो गया। अब इसको बनाने के लिए मुझे सुपरलेटिव डिग्री के ही एडजेक्टिव का यूज करना होगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज द ब्रेवेस्ट बॉय इन दिस क्लास। और आपने माइंड किया कि ब्रेवेस्ट के पहले मैंने क्या रखा है, द का यूज किया है। तो जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को यूज करोगे तो उसके पहले आपको द का यूज करना होगा। कुछ एग्जाम्पल और सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहता ही इज क्लेवर तो इसका मतलब क्या, वह चतुर है। और अगर मैं आपसे कहूं कि he is cleverer than रवि तो हिंदी क्या होगी, कि वह रवि से ज्यादा चतुर है। और अगर मैं आपसे कहूं कि he is the cleverest boy in his village तो हिंदी क्या निकलेगी, कि वह अपने गांव का सबसे ज्यादा चतुर लड़का है। अगर मैंने आपसे कह दिया कि यू आर लेजी तो हिंदी क्या निकलने वाली है, आप सुस्त हो। और अगर मैं आपसे कह देता कि यू आर लेजियर देन योर फादर तो हिंदी क्या निकलेगी, कि आप अपने पिता से ज्यादा सुस्त हो। और अगर मैं आपसे कहता कि यू आर द लेजिएस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास तो हिंदी क्या निकलती, कि आप इस कक्षा के सबसे ज्यादा सुस्त लड़के हो। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आपकी डिग्री समझ में आ गई होगी। अब फ्रेंड्स अगले लेशन में हम लोग इंटरचेंज ऑफ डिग्री के लेशन को आगे बढ़ाएंगे, और हमें यह समझना होगा कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का हो जाए तो उसे कॉम्परेटिव या फिर सुपरलेटिव डिग्री में हम कैसे बदलें, या फिर कॉम्परेटिव डिग्री का सेंटेंस है तो उसे पॉजिटिव में कैसे बदलें, या फिर हमें सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री का ही मिल गया है तो उसे दूसरी अन्य डिग्रियों में कैसे बदला जाए। तो आराम से फ्रेंड्स समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सारी चीजें आपसे बनती रहेंगी तभी जाके आपको अगला लेशन समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, सी नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईएफबी इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स आज हम देखने जा रहे हैं लेसन नंबर 89, जहां पर हम डिग्री के लेशन को आगे बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स हम लोगों ने प्रीवियस लेशन में क्या देखा कि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ आर ई आर या फिर आई ई आर को जोड़कर कॉम्परेटिव डिग्री एवं एस टी ई एस टी और आई ई एस टी को जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती थी। पर फ्रेंड्स एक बात को माइंड कीजिएगा, हम लोगों ने ऐसा तब किया था जब हमारे पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में सिर्फ एक ही सिलेबल था। यहाँ पर सिलेबल का मतलब होता है क्या, स्वराघात। जब हम किसी शब्द को बोलते समय एक भी पॉज नहीं लेते, उसको एक ही बार में बोल देते हैं, तो वो हमारा जो शब्द होता है ना वो एक सिलेबल का शब्द कहलाता है।
तो फ्रेंड्स, अगर हमारे शब्द में ना एक ही सिलेबल है यानी एक ही स्वराघात है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा, हमें आर ई आर या फिर आई ई आर को जोड़कर कॉम्परेटिव डिग्री बनानी होगी एवं एस टी ई एस टी और आई ई एस टी को जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनानी होगी। लेकिन अगर सोचिए कि कंडीशन बदल जाए यानी हमारे शब्द में एक से अधिक स्वराघात यानी एक से अधिक सिलेबल आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में मोर या फिर लेस को पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले जोड़कर कॉम्परेटिव डिग्री एवं मोस्ट और लीस्ट को जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है, जहाँ पर मोर का मतलब होता है क्या, ज़्यादा, और मोस्ट का मतलब होता है क्या, सबसे ज़्यादा। इसी तरीके से लेस का मतलब होगा क्या, कम, और लीस्ट का मतलब हो जाएगा क्या, सबसे कम। अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने आपके सामने एक टेबल बनाई है जहाँ पर मैंने मोर और मोस्ट को पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले जोड़ा है, और पहले जोड़कर मैंने उसे या तो कॉम्परेटिव बना दिया है या फिर क्या बनाया है, मैंने सुपरलेटिव डिग्री बनाया है। फ्रेंड्स, इस टेबल के ठीक बाद एक टेबल और बनाएंगे जिसमें लेस और लिस्ट का यूज़ कैसे होगा वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने एक एग्जांपल है, वह सुंदर है। फ्रेंड्स, इसको ध्यान से पढ़िए तो ये हमारा सेंटेंस कहाँ का हो गया, पॉजिटिव डिग्री का हो गया। अब ऐसे कंडीशन में हमें इस सेंटेंस को बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का ही यूज़ करना होगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज़ हैंडसम। अब दूसरा एग्जांपल देखिएगा, वह अपने पिता से ज़्यादा सुंदर है। तो इस सेंटेंस में देखिए कि मैंने क्या किया है, उसकी उसके पिता से तुलना कर दी, और तुलना करने में हमारा जो सेंटेंस है वो कहाँ का हो गया, कॉम्परेटिव डिग्री का हो गया। तो हमारा जो सेंटेंस है वो क्या बनने वाला है, ही इज़ मोर हैंडसम दैन हिज फादर। अब यहाँ पर मोर क्यों लगाया गया, क्योंकि सेंटेंस हमारा कॉम्परेटिव डिग्री का था। एक एग्जांपल फ्रेंड्स और देखिएगा, अगर मैंने आपसे कहा होता वह अपने गांव में सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की है, तो इस सेंटेंस में देखिए क्या हुआ कि मैंने उसको ना उसके पूरे गांव में सबसे ज़्यादा सुंदर कहा है, यानी ये सेंटेंस हमारा कहाँ का हो गया, सुपरलेटिव डिग्री का हो गया। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर विलेज। अब फ्रेंड्स, आपके सामने एक टेबल और आ गई है जिसमें मैंने लेस और लीस्ट को जोड़कर एक टेबल बनाई है, यानी लेस को जोड़ा हमने तो क्या बन गया, कॉम्परेटिव डिग्री, और लिस्ट को जोड़ दिया तो हमारी क्या बन चुकी है, सुपरलेटिव डिग्री। अब फ्रेंड्स, इसमें भी कुछ एग्जांपल लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने मैं पहला एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए ध्यान से कि आप होशियार हो, और ये सेंटेंस हमारा कहाँ का हो गया, पॉजिटिव डिग्री का। अब अगर ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव डिग्री का है तो आपको पॉजिटिव डिग्री के ही एडजेक्टिव को यूज़ करना होगा, और इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, यू आर इंटेलिजेंट। इसी तरीके से फ्रेंड्स, एक दूसरा एग्जांपल कॉम्परेटिव डिग्री का लेते हैं। तो आपके सामने एक दूसरा एग्जांपल है, आप राहुल से कम होशियार हो, और ये सेंटेंस हमारा कहाँ का हो गया, कॉम्परेटिव डिग्री का, क्योंकि मैंने आपकी राहुल से तुलना की। तो हमारा पूरा ट्रांसलेशन क्या बना, यू आर लेस इंटेलिजेंट देन राहुल। एक एग्जांपल और फ्रेंड्स, जो कि सुपरलेटिव डिग्री का होगा। तो आपके सामने एक एग्जांपल आ चुका है, आप कक्षा में सबसे कम ईमानदार लड़के हो। अब चूंकि ये सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव डिग्री का है तो हमें सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को यूज़ करना होगा, और हमारा ट्रांसलेशन क्या बनने वाला है, यू आर द लीस्ट ऑनेस्ट बॉय इन द क्लास। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। डिग्री के पार्ट वन और पार्ट टू दोनों लेसन को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाला वीडियो आसानी से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ई एफ बी इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्री, जिसमें आज हमें ये देखना है कि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस जिसकी बनावट एज या सो एज वाली हो उसको कॉम्परेटिव डिग्री में कैसे बदला जाए। फ्रेंड्स, आपके सामने मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिखे हैं, और दोनों ही एग्जाम्पल हमारे कहाँ के हैं, पॉजिटिव डिग्री के हैं। अब हमें ये समझना होगा कि इसे हम कॉम्परेटिव डिग्री में कैसे बदले। बट फ्रेंड्स, पहले हमें ये समझना होगा कि एज और सो एज होता क्या है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी हिंदी आपके सामने लिखी है, और हिंदी क्या लिखी मैंने, इतना जितना। इन दोनों का मतलब ही क्या होता है, इतना या जितना, चाहे हम एज रखें या फिर सो एज का यूज़ करें, दोनों का मतलब होगा इतना डैश 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 जितना। अब फ्रेंड्स, आपको दूसरी बात यहाँ पर यह समझनी है कि एज और सो एज के बीच में ही हमें पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को लिखना होता है, और जब एज और सो एज लिख के आता है, दोनों के बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है, तो ये सेंटेंस भी हमारा क्या कहलाता है, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस कहलाता है, और इसे हमें क्या करना होगा, कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना होगा।
यहाँ पर आपको एक बात और समझनी है कि सिंपल और नेगेटिव दोनों सेंटेंस में हम एज एज का तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो सो एज होता है ना, उसका यूज़ ज़्यादातर नेगेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। अब फ्रेंड्स ये देखते हैं कि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कॉम्परेटिव डिग्री में कैसे बदला जाए। तो फ्रेंड्स आपके सामने एक एग्जाम्पल है, ही इज़ एज हैंडसम एज राहुल। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि हमें इस पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कॉम्परेटिव डिग्री के सेंटेंस में बदलना है। तो फ्रेंड्स पहला काम हमें ये करना है कि हम पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को कॉम्परेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बनाएं। तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट कौन है? राहुल। तो राहुल को हमें कॉम्परेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बनाकर लिखना होगा। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया? राहुल लिखा। इसके ठीक बाद मुझे यहाँ पर क्या लिखनी होगी? हेल्पिंग वर्ब, जो कि क्या थी? इज़। अब इस के बाद मुझे यहाँ पर नॉट का यूज़ करना होगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस सिंपल है तो कॉम्परेटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव बनाया जाएगा, और अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव होगा तो कॉम्परेटिव डिग्री का सेंटेंस सिंपल बनाया जाएगा। अब इस नॉट को रखने के बाद हमें पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल कर लिखना होगा। तो हमारा जो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव था वो कौन था? हैंडसम। अब हैंडसम को अगर मैं कॉम्परेटिव में बदलूँगा तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा? मोर हैंडसम। अब मोर हैंडसम लिखने के ठीक बाद मुझे यहाँ पर दैन को यूज़ करना होगा, और दैन के बाद हमें पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट को कॉपी करना होगा, जो कि क्या था? ही। तो इस तरीके से हमारा पूरा सेंटेंस क्या बना कि राहुल इज़ नॉट मोर हैंडसम देन ही। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल और लिखा है, ही इज़ नॉट सो क्लेवर एज रवि। और ये सेंटेंस हमारा कहाँ का हो गया? पॉजिटिव डिग्री का। लेकिन ध्यान से देखिए, ये सेंटेंस हमारा क्या है? निगेटिव है। और अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव डिग्री का निगेटिव है तो कॉम्परेटिव डिग्री के सेंटेंस में इसको बदलते समय हमें ध्यान में रखना होगा कि अब हमारा कॉम्परेटिव डिग्री का जो सेंटेंस है वो सिंपल बनाया जाएगा। तो हमें पहला काम क्या करना होगा कि पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को कॉम्परेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बनाना होगा। तो पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट यहाँ पर कौन है? रवि। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा? रवि। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? इज़। और इज़ हमारी क्या होगी? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगी। इसके ठीक बाद मुझे पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल कर लिखना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है वो कौन है? क्लेवर। अब क्लेवर को अगर मैं कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलूँगा तो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ? क्लेवरर। और क्लेवरर के ठीक बाद मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा? देन। और देन के बाद मुझे पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ना, उसको कॉपी करना होगा। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बनेगा कि रवि इज़ क्लेवरर देन ही। अब फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल और देखते हैं, जहाँ पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि कॉम्परेटिव डिग्री का ही सेंटेंस अगर हमें मिल जाए तो उसे हम पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलें। आप देख सकते हो आपके सामने मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल फिर से लिखा है, लेकिन दोनों सेंटेंस हमारे कहाँ के हैं? कॉम्परेटिव डिग्री के हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? सी इज़ ब्रेवियर देन हर मदर। और इसका मतलब क्या होगा कि वह अपनी मम्मी से ज़्यादा बहादुर है। और फ्रेंड्स दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? ही इज़ नॉट वाइजर देन रमेश। और इसका मतलब क्या होगा कि वह रमेश से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है। अब फ्रेंड्स हमें इन दोनों सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। तो पहला सेंटेंस हमारे पास क्या है कि सी इज़ ब्रेवियर देन हर मॉम। माइंड कीजिएगा कि अगर कॉम्परेटिव डिग्री का सेंटेंस सिंपल है तो पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस है वो निगेटिव ही बनाया जाएगा, और अगर कॉम्परेटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव हो गया तो पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस है वो सिंपल में बनाया जाएगा। तो बात करते हैं कि आप पहला एग्जाम्पल जो कि मैंने क्या लिखा है, सी इज़ ब्रेवियर देन हर मदर। तो हमें पहला काम क्या करना होगा कि कॉम्परेटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट बनाना होगा। और हमारे यहाँ पर जो कॉम्परेटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट है वो कौन है? हर मदर। इसको हमें सबसे पहले लिखना होगा, क्योंकि हमारा जो पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट है वो यही बनेगा। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा? हर मदर। इसके ठीक बाद देखिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया है? इज़। ये हमारी क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर नॉट का यूज़ करना होगा, क्योंकि हमारा जो कॉम्परेटिव डिग्री का सेंटेंस था वो क्या था? सिंपल। तो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस 100% आपका निगेटिव बनने वाला है। अब नॉट के बाद हमें यहाँ पर सो एज या फिर एज एज के बीच में कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल कर लिखना होगा। और यहाँ पर हमारा जो कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव था वो कौन था? ब्रेवियर। तो ब्रेवियर को पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रेव। तो ब्रेव को हमें क्या करना होगा? एज और एज दोनों के बीच में लिखना होगा। और दूसरा वाला जो एज है ना, उसके ठीक बाद हमें कॉम्परेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को कॉपी करना होगा, जो कि यहाँ पर क्या था? सी। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बनेगा
हर मदर इज़ नॉट एज ब्रेव एज सी। अब फ्रेंड्स आपके सामने एक एग्जांपल और है, और वो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर कि ही इज़ नॉट वाइजर दैन रमेश। अब इसको भी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना होगा, रमेश, क्योंकि रमेश हमारा क्या था, कॉम्परेटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट था, इसे हमें पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट बनाकर लिखना होगा। इसके ठीक बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी जो कि हमारी क्या हो जाएगी, इज। इसके ठीक बाद हमें एज और एज के बीच में वाइज का यूज़ करना होगा, क्योंकि हमारा जो कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव था वो क्या था, वाइजर, और वाइजर को पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलेंगे तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पर, वाइज। और लास्ट वाले एज के ठीक बाद हमें कॉम्परेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को कॉपी करना होगा जो कि यहाँ पर कौन है, ही, क्योंकि जो ही है हमारा वो कॉम्परेटिव डिग्री का क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट, जिसको हमें लास्ट वाले एज के ठीक बाद कॉपी करना होगा। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बनेगा कि रमेश इज एज वाइज एज ही। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि पॉजिटिव डिग्री को कॉम्परेटिव में और कॉम्परेटिव डिग्री के सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदला जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।